Welcome to our YouTube channel. Today I am going to teach you class 5 English chapter 3 the 1 inch boy. The 1 inch boy एक छोटा सा लड़के की कहानी पढ़ेंगे. वो कैसे छोटा हो गया और उसने अपने जीवन में क्या-क्या किया. In Japan an old woman and an old man wished for a child to fill their days with happiness. In Japan, ये जापान की कहानी है. जापान में एक बूढ़े दंपति रहते थे. Old woman and old man पति पत्नी रहते थे. Wished for a child उन्हें एक बच्चे की आस थी, उन्हें एक बच्चे की इच्छा थी. To fill their days with happiness, जिसको देखकर वो दिन गुजार सकते थे. One day, the old man found a basket by his doorway. One day, the old man found a basket by his doorway. एक दिन की बात है, जब बूढ़े आदमी ने अपने दरवाजे के पास एक बास्केट को देखा. अपने दरवाजे के बाहर एक बास्केट था. बास्केट में क्या था? टर्ड्स नगली इन द बास्केट वाज ए फिंगर साइज चाइल्ड. टर्ड्स नगली मींस उस बास्केट में अच्छे से बेडशीट डालकर, अच्छे से गद्दा बिछाकर एक छोटा सा बच्चा था. फिंगर साइज चाइल्ड, फिंगर जितना, एक उंगली जितना बच्चा था. टर्ड्स स्नगली इन द बास्केट वाज ए फिंगर साइज चाइल्ड. द मैन कॉल्ड टू हिज वाइफ एंड टुगेदर दे ब्रॉट द बास्केट इन टू द हाउस. द मैन कॉल्ड हिज वाइफ, वो बूढ़े आदमी क्या करते हैं, अपनी बीवी को, पत्नी को बुलाते हैं. एंड टुगेदर मिलकर वे क्या करते हैं, उस वन इंच बॉय को, उस छोटे से बच्चे को अपने घर ले जाते हैं. इन टू द हाउस. व्हाट शैल वी कॉल दिस वंडरफुल चाइल्ड, आस्क द वाइफ. व्हाट शैल वी कॉल दिस वंडरफुल चाइल्ड, आस्क द वाइफ. उसकी पत्नी बोलती है, इस अद्भुत आश्चर्यजनक बच्चे को हम क्या बुलाएं, इस छोटे से उंगली जितना बच्चे को हम क्या पुकारें. He is our own 1-inch boy. He is our own 1-inch boy, said the husband. And that will be his name. He is our own 1-inch boy, said the husband. Husband बोल रहे हैं, the old man said, He is our own 1-inch boy. यह हमारा अपना 1-inch boy है. और इसका नाम भी हम 1-inch boy ही रखेंगे. वो उंगली जितना छोटा था, हमारी एक उंगली 1-inch के बराबर होगा, इसलिए हम उन्हें 1-inch boy पुकारेंगे. Then the father made tiny chairs, a table and a bed for his son. The father made tiny chairs, a table and a bed for his उसके पिता को पिता बन के ओल्ड मैन बिकम फादर. क्या करते हैं, छोटे छोटे उस छोटे से बच्चे के लिए टीनी चेयर्स, टीनी टेबल, छोटे छोटे फर्नीचर्स बनाते हैं. एंड बेड ऑल्सो. ही ऑल्सो कार्व्ड फ्रॉम वुड ए टीनी बोल फॉर हिम. उस छोटे से बच्चे के लिए छोटी सी खाने की कटोरी भी बनाते हैं. He also carved means एक छोटे से लकड़ी को लेकर अच्छे से शेप देना, उसे बोल की तरह बनाना. Then the mother would cook grains of rice for him and put them in the bowl. The mother would cook grains of rice for him and put them in the bowl. जब माँ खाना पकाती है, चावल बनाती है, उस 1-inch boy को उस छोटी सी
कटोरी में खाना परोसती है। वन इंच बॉय बिकेम स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। वन इंच बॉय बिकम स्ट्रॉन्गर डे बाय डे बट ही नेवर ग्रू बिगर। दिन ब दिन वो वन इंच बॉय बड़ा होता जा रहा था, मतलब स्ट्रांग हो जा रहा था, पर अपनी हाइट नहीं बढ़ा पा रहा था, इतना सही था। बट ही नेवर ग्रू बिगर। इवन थ्रो वन इंच बॉय वॉज वेरी स्मॉल। इवन थ्रो वन इंच बॉय वॉज वेरी स्मॉल ही वॉज क्वाइट हेल्पफुल। इतना छोटा होने के बावजूद वो अपने पेरेंट्स को माँ बाप को हेल्प करता था। ही क्रॉल्ड अंडर द टेबल एंड चेयर्स एंड फाउंड व्हाट एवर वॉज लॉस्ट। ही क्रॉल्ड अंडर द टेबल एंड चेयर्स एंड फाउंड व्हाट एवर वॉज लॉस्ट। वो क्रॉल मतलब ऐसे जो छोटे बच्चे अपने आप चलते हैं ना, वो क्या करता था, क्रॉल करके इधर उधर चला जाता था, उसे कोई ढूंढ नहीं पाता था, टेबल के नीचे चेयर के नीचे। एंड ही ब्रॉट इन ब्लेड ऑफ ग्रास दैट कुड बी ड्राइड एंड वूवन इनटू मैट्स। ही ब्रॉट इन ब्लेड ऑफ ग्रास दैट कुड बी ड्राइड एंड वूवन इनटू मैट्स। उसके लिए सूखी घास, जो पतली पतली घास होती है उसे बुन कर उसके लिए मैट बनाया गया जिसमें वो सो सके। ही रोड ऑन हिज फादर्स शोल्डर व्हेन दे वेंट टू द फॉरेस्ट एंड पॉइंटेड आउट ब्रोकन ब्रांचेस दैट कुड बी गैदर्ड फॉर फायरवुड। ही रोड ऑन हिज फादर्स शोल्डर। वो क्या करता था, वन इंच बॉय अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर जंगल जाता था। When they went to the forest, जब उसके पिता जंगल जाते थे तो वो क्या करता था, अपने पिता के कंधे पर बैठकर जंगल जाता था। And pointed out broken branches that could be gathered for firewood. वो अपने पिता की हेल्प करता था। कैसे हेल्प करता था, वो कंधे पर बैठकर पिता को बोलता था कहाँ पर लकड़ी टूट गई है, उसे कलेक्ट करना है। Then 15 happy years went by. 15 happy years went by. ऐसे ऐसे करते 15 साल बीत गए। 15 happy years went by. One day, one inch boy said to his parents. One day, one inch boy said to his parents. एक दिन वो छोटा सा बच्चा, one inch boy जो 15 साल का हो गया था, वो अपने पेरेंट्स से बोलता है, यू अलाउ मी, आई वॉन्ट टू गो टू क्यूटो टू सीक माई फॉर्च्यून। यू अलाउ मी, आई वॉन्ट टू गो टू क्यूटो टू सीक माई फॉर्च्यून। मैं क्यूटो जाना चाहता हूँ, जापान का एक सिटी है क्यूटो, वहाँ जाना चाहता हूँ। क्यों जाना चाहता था, टू सीक हिज फॉर्च्यून। वो कुछ बनना चाहता था, कुछ करके दिखाना चाहता था, इसलिए वो क्यूटो जाना चाहता था और अपने पेरेंट्स से वो अनुमति लेना चाहता था। देन हाउ शैल वी मैनेज विदाउट यू, हाउ शैल वी मैनेज विदाउट यू, सेड हिज मदर। उसकी माँ बोलती है, हम तुम्हारे बगैर कैसे रह पाएंगे। हाउ शैल वी मैनेज विदाउट यू, तुम्हारे बगैर हम कैसे रहेंगे। Truly, said his father. उनके पिता भी बोलते हैं, हाँ सच में हम कैसे तुम्हारे बगैर गुजारा करेंगे। You have given us great hope and joy. You have given us great hope and joy. तुमने हमें कितना खुशी दिया है, तुमने हमें कितना प्यार दिया है, हमने तुम्हें कितना चाहा है। What shall we do when you are gone? What shall we do? हम क्या करेंगे when you are gone? अगर तुम चले जाओगे तो हम क्या करेंगे? Although his parents did not want
one each boy to live. Although his parents did not want one each boy to live. Parents नहीं चाहते थे कि one each boy कहीं भी जाए. He persist. One each boy क्या करता है? Persist. बार 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 जाने की अनुमति मांग रहा होता है. Finally they agreed. बाद में क्या करते हैं? उनके पेरेंट्स मान जाते हैं. Agreed. His father found a small bowl. One each boy could use as a boat. उनके पिता एक छोटा सा बोल का इंतजाम करते हैं जिससे वो बोट की तरह इस्तेमाल कर सके. Then the one each boy could use as a boat. Then his mother cut oars from chopstick. बोट को चलाने के लिए जो स्टिक चाहिए होता है उसे ओर्स बोलते हैं. और उसकी माँ ने इतने छोटे से बोट के लिए उन्होंने चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया है. चॉपस्टिक जो नूडल्स खाने में यूज होता है, चाइनीज लोग यूज करते हैं, चॉपस्टिक बोलते हैं, उससे उन्होंने नाव को चलाने के लिए कुछ बनाया. देन ही सी गेव हिम ए सीविंग नीडल. Sword seated in a straw cupboard. उन्होंने क्या किया? उसकी माँ ने वन इंच बॉय को एक छोटा सा सीविंग नीडल दिया, सिलने वाली सुई. क्योंकि वो इतना छोटा था कि उसे तो तलवार चलाना नहीं आता होगा ना, इसलिए उसने एक सीविंग नीडल दिया एज सोर्ड, तलवार की तरह वो इस्तेमाल कर सके. And seated in a straw cupboard. और उसकी होल जिसके अंदर तलवार को रखा जाए वो भी उन्होंने बनाया. Seated in a straw cupboard. One inch boy set off down the river in his bowl. अपनी बोल में बैठकर वो जाने की तैयारी कर बैठा. He had with him his food, his sword, and the blessings of his parents. उसने अपने साथ क्या क्या लिया था? He had with his food कुछ खाने की चीजें, his sword अपनी तलवार जो निडल था, and the blessings of his parents और अपने माता पिता का आशीर्वाद. He promised to send for his parents as soon as he had made a fortune. उन्होंने उस वन इंच बॉय ने अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि वो अपनी कुछ करके दिखाएगा और कुछ बन के दिखाएगा और तब उसे वो बुला लेगा, All went, well during the first day of the journey. पहला दिन अच्छे से बीत गया. उस वन इंच बॉय का जर्नी, जो पहला दिन का जर्नी था, वो अच्छे से बीत गया. Then the weather changed. अगले दिन क्या हुआ? मौसम बदल गया. Strong winds and rain tossed the bowl from one side of the river to the other. तेजी से हवा चलने लगी, बारिश होने लगी, and tossed the bowl. From one side to the river to the other side. क्या कर रहे थे? इतनी जोरों से बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी,
कि उस छोटे से वन इंच बॉय का जो बोट था, बोल बोल था जो उसका बोट, वो हिलने लगा, इधर उधर हिलने लगा. एंड वन इंच बॉय ट्राई टू रो टू द शोर. वन इंच बॉय अपनी नैया को किनारे लेने की कोशिश कर रहा था. वन इंच बॉय ट्राई टू रो टू द शोर बट द वेव्स वर टू हाई. नदी का जो लहर था, पानी का भाव बहुत ज्यादा था. बट द वेव्स वर टू हाई. ए बोट मच बिगर देन द बोल. और उस नदी में एक और बोट था जो वन इंच बॉय का बोल से बहुत बड़ा था. बोर डाउन ऑन वन इंच बॉय. वन इंच बॉय को ऐसे क्या किया, उस बड़े से नैया ने उस छोटे से बोल को टक्कर मार दी. द वेव्स मेड बाय द बोट स्वैम द बोल. उस बड़ी सी नैया ने, बड़ी सी बोट ने क्या किया, उस छोटे से बोल को टक्कर मार दी और उसके अंदर बहुत सारा पानी भर गया. द वेव्स मेड बाय द बोट स्वैम द बोल. उसके अंदर पानी भर गया. एंड वन इंच बॉय वाज श्योर ही वुड ड्रम. वन इंच बॉय को लगने लगा कि अब मैं डूब जाऊंगा, अब मैं नहीं बचूंगा. हेल्प हेल्प ही क्राइड आउट, ही कॉल्ड आउट, हेल्प हेल्प मुझे बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा. देन व्हेन ही हैड गिवन अप होप, उसने अपनी हार मान ली थी कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा, इस नदी में मैं बह जाऊंगा. ए लार्ज हैंड पुल्ड हिम ऑफ फ्रॉम हिज बोट. ए लार्ज हैंड पुल्ड हिम ऑफ फ्रॉम हिज बोट. एक बड़ा सा हाथ उसे ले लेता है अपनी बोट से. एक बोट से एक बड़ा सा हाथ आता है और उसे ले लेता है. व्हाट इज दिस, द बोटमैन क्राइड आउट. जिसने वन इंच बॉय को हेल्प किया होता है वो बोलता है, द बोटमैन क्राइड आउट, चिल्लाकर बोलता है, व्हाट इज दिस, क्या है ए बॉय नो बिगर देन माई फिंगर. ये एक लड़का है जो मेरे फिंगर से भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा. व्हाट आर यू डूइंग ऑन दिस डेंजरस रिवर, बोटमैन आस्क्ड द वन इंच बॉय. वन इंच बॉय को वो बोटमैन पूछ रहा होता है, व्हाट आर यू डूइंग ऑन दिस डेंजरस रिवर, तुम इस भयानक नदी में क्या कर रहे हो. आई वॉज ऑन माई वे टू क्यूटो. I was on my way to Kyoto, one inch boy said. One inch boy बोल रहा होता है कि मैं Kyoto जा रहा था, मैं Kyoto की तरफ जा रहा था. I too, I'm on my way to Kyoto to sell my load of wood. I too, maybe, I'm on my way to Kyoto to sell my लॉर्ड ऑफ वुड, सेड द बोटमैन. बोटमैन भी बोल रहा है, मैं भी जा रहा हूँ क्यूटो अपनी लकड़ियाँ बेचने के लिए, टू सेल माई लॉर्ड ऑफ वुड. कम विथ मी, मेरे साथ आ जाओ. कम विथ मी एंड वी शैल गो टू द सिटी टुगेदर. वी शैल गो टू द सिटी टुगेदर. हम दोनों मिलकर उस शहर में जाएंगे, क्यूटो शहर में जाएंगे. वन इंच बॉय वॉज वेरी ग्रेटफुल. वन इंच बॉय वॉज वेरी ग्रेटफुल. वो बहुत आभारी था. ग्रेटफुल मतलब आभारी, क्योंकि उसने उस बोटमैन ने उसकी जान बचाई थी और उसने उसकी मदद की थी क्यूटो पहुंचने की. देन एज थैंक्स टू द बोटमैन, वन इंच बॉय मेंडेड द नेट. नेट बैग used for carrying the wood. As thanks, the boatman, उसने boatman को धन्यवाद किया. And the one inch boy mended the net bag used for carrying the wood. जो net बुना गया था
उसको वो सुधारने लगा, कुछ खुल गया था उसे ठीक कर रहा। इन क्योटो ही बिड द बोटमैन गुड बाय एंड सेट आउट टू सी द सिटी। क्योटो पहुंचकर ही बिड द बोटमैन गुड बाय एंड सेट आउट टू सी द सिटी। क्योटो पहुंचकर उस वन इंच बॉय क्या करता है, बोटमैन को गुड बाय बोल देता है और क्यूटो को देखने की इच्छा ज्ञापन करके वहां चला जाता है। बिफोर लॉन्ग, ज्यादा समय नहीं हुआ होता है, बिफोर लॉन्ग ज्यादा समय नहीं हुआ होता है, ही केम टू ए ब्यूटिफुल पैलेस। ही केम टू ए ब्यूटिफुल पैलेस, वो एक सुंदर सी राजभवन की ओर चला आता है। वन इंच बॉय easily slip through the spaces in the iron fence and founded on the palace doors. The one inch boy वो बहुत छोटा था, इसलिए वो आने जाने के टाइम उसे कोई देख नहीं पाता था। One inch boy easily slipped through the spaces in the iron fence. उसके नीचे से अच्छे से फिसलकर वो चला जाता है and founded on the palace door. Pounder means जोरों से knock करना। पैलेस का उस राजभवन की दरवाजे को जोर से knock करना होता है। And oh noble lord, he called, will you please give me shelter while I seek my fortune in this city? Oh noble lord, noble lord का मतलब एक अच्छे खानदानी लोग जिसे बोलते हैं, जिसके पास बहुत धन संपत्ति हो, उसे नोबल लॉर्ड बोलते हैं। ओ नोबल लॉर्ड, ही कॉल्ड, वन इंच बॉय कॉल्ड। वन इंच बॉय दरवाजे के पास जाकर दरवाजे को पीटता है और बोलता है, विल यू प्लीज गिव मी शेल्टर, क्या तुम मुझे एक छत दे सकते हो रहने के लिए? आई सीक माई फॉर्चून इन दिस सिटी, मैं इस शहर में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक छत दे सकते हो रहने के लिए? Then a great man dressed in silk robes opened the doors. A great man dressed in silk robes, एक अच्छे से आदमी दरवाजा खोलते हैं। Open the doors, दरवाजा खोलते हैं और उन्होंने क्या पहना होता है? Silk robes, जो खानदानी लोग होते हैं, अच्छे अच्छे परिवार के, वो क्या अच्छे से सिल्क कपड़े पहनते हैं जो बहुत सुंदर दिखता है। एंड लुक्ड अराउंड हिम, दरवाजा खोलते हैं एंड लुक्ड अराउंड हिम, चारों तरफ देखते हैं। आई थॉट आई हर्ड समवन बट देयर इज नो वन हियर, ही सेड। वो दरवाजा खोलकर बोलते हैं, I thought I heard someone, मैंने सोचा मैंने किसी को सुना, but there is no one here, but यहाँ तो कोई भी नहीं है। Down here, good sir, down here, good sir, one inch boy looked up and said, one inch boy looked up and said, one inch boy क्या कर रहा होता है, ऊपर देखता है और बोलता है, नीचे देखिए, नीचे देखिए, प्लीज गिव मी शेल्टर until I कैन मेक सम फॉर्च्यून इन योर सिटी। मुझे छत दे दीजिए, मुझे रहने के लिए कुछ दे दीजिए, जहां पर मैं आपके शहर में आकर कुछ बन सकूं, कुछ कर सकूं। I will serve you well, मैं आपका सेवा करूंगा। फॉर फूड एंड ए पैलेस टू स्टे, आप मुझे खाने के लिए दे दो और कुछ खाने और रहने के लिए दे दो, मैं आपका सेवा करूंगा। द ग्रेट मैन पिक्ड अप, तो क्या कहते हैं वो ग्रेट मैन, वो बड़े आदमी जो थे ना, रिच मैन, नोबल लॉर्ड, पिक्ड अप वन इंच बॉय,
उस छोटे से बच्चे को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं एंड सेड वेरी काइंडली, अच्छे से प्यार से पूछते हैं, वेल यू सीम टू हैव कॉरेज एंड यू डोंट आस्क मच फॉर योर सर्विस. तुम ज़्यादा मत बोलो, यू कैन स्टे हियर विथ मी इफ यू विश, तुम मेरे साथ ही रहो. देन वन इंच बॉय थैंक द ग्रेट मैन. वन इंच बॉय क्या कर रहा होता है, शुक्रिया अदा करता है थैंक द ग्रेट मैन, क्योंकि उन्होंने उसे रख लिया. एंड मेड हिमसेल्फ एट होम, उन्होंने अपने घर में उसे जगह दी. एवरीवन इन द हाउस होल्ड मार्वल्ड एट हिज साइज. एवरीवन इन द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब घर पे जितने सारे लोग थे, मेंबर्स, मार्वल्ड, वो सरप्राइज हो गए. किसको देखकर? वन इंच बॉय को देखकर, इतना छोटा सा लड़का. दे गेव हिम ऑल ही विश्ड फॉर, उन्होंने उस वन इंच बॉय को सब कुछ दिया, खाने को रहने को सब कुछ दिया. देन One spring afternoon, the noble's daughter carried one inch boy on a walk. एक बसंत का महीना था और बसंत के दिन में, one spring afternoon के टाइम, दोपहर के टाइम, the noble's daughter carried one inch boy on a walk. Noble की लड़की क्या करती है, उस one inch boy को लेके जाती है घुमाने के लिए. Her guards and ladies in waiting accompanied them. और उसकी रखवाली के लिए guards and उसके कुछ काम करने वाले जो होते हैं, ladies in waiting, राजकुमारियों के साथ जो औरतें रहती हैं, वो उनके साथ जाती हैं. As they passed by a dense forest, जब वो घने जंगल की ओर से चलते हैं, an ogre roared from his hiding place behind the trees. An ogre roared. दानव क्या करता है? चिल्लाता है. And hiding from the tree. एक पेड़ के पीछे से चिल्लाता है. He grabbed the noble's daughter. वो क्या करता है, उस नोवल की लड़की को पकड़ लेता है. Her ladies in waiting fled and so did the guards. क्या करते हैं, जो गार्ड्स होते हैं रखवाली के लिए रहते हैं, एंड जो औरतें रहती हैं वो क्या करते हैं, डर के मारे भाग जाती हैं. One inch boy shouted bravely, leave this beautiful lady alone. क्या करती है वन इंच बॉय, क्या करता है, जोरों से चिल्लाता है, अपनी बहादुरी दिखाकर जोरों से चिल्लाता है और बोलता है लीव दिस ब्यूटीफुल लेडी, इस सुंदर सी लड़की को छोड़ दो और यू शैल फील माय सॉर्ड छोड़ दो, वरना मैं क्या करूँगा, तुम्हारे साथ लड़ाई करूँगा, मेरे तलवार का सामना करो, फील माई सॉर्ड. ही अनसिटेड हिज सॉर्ड and struck the ogre. He unsheathed his sword and struck the ogre. क्या करता है one inch boy, अपनी तलवार अपनी खोल से निकालता है and struck the ogre, मारने की कोशिश करता है. तो ogre laughed, ogre हंसने लगता है, क्योंकि इतना छोटा सा वन इंच बॉय क्या कर लेगा उसका, ऐसे सोचकर हंसता है. Not much of a meal, तुम मेरे एक खाने के बराबर भी नहीं हो. He said to himself, खुद से वो बोलने लगता है ओगर, not much a meal, but it will do until I find something else to eat. जब तक मुझे कुछ खाने को मिल ना जाए, मैं तुम्हें ही खा के अपना पेट भर लूंगा.
He scooped up 1-inch boy and swallowed him. He scooped up 1-inch boy and swallowed him. वो राक्षस क्या करता है, दानव 1-inch boy को पकड़ता है और निगल लेता है. Swallow मतलब निगलना. 1-inch boy stabbed the inside of the ogre's stomach with his sword. 1-inch boy stabbed. Stab मतलब अपनी तलवार से वो क्या करता है, भूकता है. ओगर के स्टोमक में भूकता है. द ओगर स्क्रीम्ड इन पेन एंड लेट गो टू द नोबल्स डॉटर. ओगर दर्द के मारे चिल्लाता है. स्क्रीम्ड इन पेन एंड लेट गो टू द नोबल्स डॉटर. उसने हाथ में पकड़ा रहा होता है नोबल का डॉटर को, वो छोड़ देता है. सी रैन टू द पैलेस. नोबल की डॉटर क्या करती है, दौड़ दौड़ के अपने पैलेस लौट जाती है. देन 1-inch बॉय क्लाइम्ड अप द इनसाइड ऑफ द ओगर. 1-inch बॉय क्या करता है, दानव के पेट में से चढ़ चढ़ के उसके मुख तक चला आता है. देन ही स्क्रैच द बीस्ट एवरीवेयर. ही स्क्रैच द बीस्ट एवरीवेयर. 1-inch बॉय क्या करता है, दानव के शरीर के अंदर हर तरफ नोचता रहता है, स्क्रैच. व्हेन ही रीच द ओगर्स माउथ द ओगर स्नीज्ड. जब 1-inch बॉय राक्षस के मुंह में आता है. व्हेन ही रीच द ओगर्स माउथ द ओगर स्नीज्ड. ओगर क्या करता है, छींक देता है, उसे छींक आता है. 1-inch बॉय फ्लू आउट ऑफ द ओगर्स माउथ. 1-inch boy flew out of the ogre's mouth. दानव के छींकने की वजह से 1-inch boy उड़कर छिटक कर गिर पड़ता है. The wounded ogre reeled and ran back into the forest. The wounded ogre reeled and back to forest. वो दानव खेताक्त होकर जंगल की ओर भाग निकलता है. देन उसी टाइम क्या होता है, ही चार्म्ड नेकलेस. चार्म्ड नेकलेस का मतलब जो जादुई गले में जादुई नेकलेस होता है, उसने कुछ जादुई नेकलेस अपने गले में डाल रहा होता है. ड्रॉप ऑन द ग्राउंड. भागते समय वो जादुई नेकलेस नीचे गिर पड़ता है. 1-inch बॉय पिक्ड अप द चर्म. 1-inch बॉय पिक्ड अप द चर्म. छोटा सा लड़का क्या करता है, उसी दानव के गले का जो गिर पड़ता है वो उठा लेता है. एंड ही पुट इट राउंड हिज नेक एंड मेड ए विश. वो क्या करता है, अपने गले में डाल लेता है. ही पुट इट राउंड हिज नेक एंड मेड ए विश. अपने गले में डाल लेता है और कुछ मांग रहा होता है. एट वंस ही वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए टॉल हैंडसम नोबल मैन. एट वंस उसी वक्त वो क्या होता है, ही ट्रांसफॉर्म बदल जाता है टॉल हैंडसम नोबल मैन. एक लंबा सा हट्टा कट्टा नौजवान बन जाता है. इन रिटर्न ऑफ सेविंग हिज डॉटर द ग्रेट लॉर्ड इन द पैलेस ऑफर्ड 1-inch बॉय हाफ ऑफ हिज लैंड. इन रिटर्न ऑफ सेविंग हिज डॉटर 1-inch बॉय ने उस नोबल की लड़की की जान बचाई थी, इसलिए द ग्रेट लॉर्ड इन द पैलेस ऑफर्ड 1-inch बॉय. क्या करते हैं, वो कुछ देते हैं 1-inch बॉय को. क्या देते हैं, हाफ ऑफ हिज लैंड, उनकी जमीन का आधा हिस्सा दे देते हैं. हिज डॉटर हैप्पीली एग्रीड टू मैरी 1-inch बॉय. उस नोबल की लड़की क्या करती है, उस 1-inch बॉय से शादी करने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी. एंड अब वो 1-inch बॉय नहीं रहता, वो हट्टा कट्टा नौजवान बन गया है. आज ही हैड प्रोमिस्ड 1-inch बॉय आते समय उसने जो प्रॉमिस किया था. 1-inch बॉय सेंट फॉर हिज पेरेंट्स. वो अपनी माता पिता को अपने पास बुला लेता है. एंड दे ऑल लिव्ड हैप्पीली द रेस्ट ऑफ देयर इयर्स.
वो क्या करता है, अपने माँ बाप को अपने पास बुला लेता है और हंसी खुशी उस दिन से रहते हैं।